hello friends today we'll talk about william black one of the greatest writer one of the famous writer of enlightenment age and he was born in 1757 and he was died in 1827 let us start william black and he was he has vision from a very young age vision means हेलोसिनेशन स्पिरिचुअल विजन भगवान उनको दिखाई देने लग गए थे यंग एज में काफ़ी छोटे थे जब ही एंड ही सेज दैट ब्लैक वज फोर ईयर्स वेन ही सा गॉड हैड ऑन हिज विंडो जब उनको भगवान का हेड दिखाई दिया था भगवान का सिर दिखाई दिया था उनको अपने विंडोज़ के पास ही स्टार्ट राइटिंग एट एन एर्ली एज वो काफ़ी जल्दी ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था ही ऑल्सो सा ए ट्री फुल ऑफ एंजल्स अनदर विजन एक विजन तो ये था कि उनको घोड़ दिखाई दिए थे उनका हेड दिखाई दिया था विंडो के पास अनदर विजन क्या था उनको एक ट्री दिखाई दी थी जो फुल ऑफ एंजल्स जिनमें बहुत सारी परियाँ थी अनदर विजन था ये ऐट द एज ऑफ टेन वो विजन था एट द एज ऑफ फोर और ये विजन था एट द एज ऑफ टेन एंड ही वॉज वेरी स्परिचुअल फेलो बट स्टिल ही सेस बहुत ही ज़्यादा भगवान में विश्वास करते थे लेकिन फिर भी वो बोलते थे द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड इज ए वेरी क्रुयल बींग उनकी है ये द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड इज ए वेरी क्रूएल बींग ओके एंड एट द एज टेन ही वॉज सेंड टू ए ज्वाइंट स्कूल एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ही वॉज एबल टू स्केच ह्यूमन फिगर फर्स्ट डे में ही उन्होंने ह्यूमन फिगर का स्केच बना दिया था ऑक्यूपाइंग एन एंशंट स्टैचू इन हिज ड्राॅइंग बुक एंड एट द एज ऑफ फोर्टीन ही मेट विथ एनग्रेवर एनग्रेवर मतलब मूर्तिकार एंड अपरेंटाइन फॉर सेवन ईयर्स आफ्टर अप्रेंटाइनशिप ही बिकेम ए जर्नी मैन अप्रेंटाइनशिप के बाद में वो जर्नी मैन बन गए थे उनको दो बार विजन हुआ था ये याद रखना है ओके okay? एंड ही स्टार्टेड प्रिंटिंग बुक्स उसके बाद में उन्होंने बुक्स प्रिंट करना स्टार्ट किया ही ऑल्सो स्टार्टेड कैरियर एज ए पेंट पॉइंटर ही वॉज एडमिटेड टू रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट स्कूल देर ही डिस्प्ले हीज ओन वर्क इन एन एक्जिबिशन उन्होंने खुद का वर्क एग्जिबिशन में भी लगाया था सोन ही बिकेम एंग्रेवर मतलब मूर्तिकार बन गए थे एंड स्टार्टेड पेंट्स सीन फ्रॉम मिल्टन बाइबल तो मिल्टन बाइबल की वहाँ से भी वो पेंट स्किन करने लगे थे ही एक्सपेरिमेंटेड विद द न्यू काइंड ऑफ प्रिंटिंग मेथड उन्होंने न्यू काइंड ऑफ प्रिंटिंग मेथड के साथ एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज़ रिलीफ एचिंग रिलीफ एचिंग मतलब कॉमनली नोन एज एलुमिनेटेड बुक्स मतलब क्या होता है एलुमिनेटेड बुक्स टेक्निक ओके एंड ही केम अप विथ ए न्यू वे ऑफ प्रिंटिंग बुक्स उन्होंने नए तरीके प्रिंटिंग बुक्स का ईजाद किया था निकाला था एंड ही स्टार्टेड इल्यूमिनेटिंग बुक टेक्निक ही वॉज सफर फ्रॉम रिकरिंग बॉन्ड्स ऑफ ए एंडग्नोस्ट एंड वेन विलियम ब्लैक इज आस्क वॉट डिजीज आर यू सफरिंग उनको जब पूछा गया कि तुम्हें कौन सी डिसीज हो रखी है तुम किस डिसीज से ग्रस्त हो तो उन्होंने बोला था ही सेज दैट डीज विच हैज़ नो नेम मुझे ऐसी बीमारी है जिसका कोई नाम ही नहीं है एंड विलियम ब्लैक वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ही आल्सो मैंटेन क्लोज रिलेशनशिप विद द पोलिटिकल एक्टिविस्ट थॉमस पैने थॉमस पैने के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे एंड द थिंकर एमट एम्यूनियल स्वीडनबॉक तो इनके साथ भी इनके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे एंड ही वॉज उनके दो नाम याद रखने हैं पोलिटिकल एक्टिविस्ट थॉमस पैने के साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप थे एंड थिंकर थिंकर कौन एम्यूनियल स्वीडनबर्ग एम्यूनियल स्वीडनबॉक के साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप थे एंड टू जनरलाइज इज़ टू बी एंड ईडियट ही सेट टू रॉयल अकेडमी तो उन्होंने रॉयल अकेडमी के लिए बोला था टू जनरलाइज इज टू बी एन ईडियट तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसके नोट्स भी मैं आपको दे दूँगी और जो अभी ये शॉर्ट नोट्स हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और लास्ट में मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगी और जो स्लाइड्स होती है लास्ट तक बने रही ताकि लास्ट में मैं स्लाइड्स भी देती हूँ तो आपको नोट्स बनाने में भी ईजी रहेगा नोट्स नहीं बनाने तो मैं इसका तो पी आपको दूँगी दूँगी जो शॉर्ट नोट्स का तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और जितने भी बहुत ही फेमस वर्क्स हैं हम उनका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें डेली अपलोड कर दिया करूँगी ओके okay? एंड उन्होंने क्या बोला था ही टू जनरलाइज इज टू बेन ईडियट ही सेट टू रॉयल अकेडमी रॉयल अकेडमी को उन्होंने बोला था एंड फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन का मेजर आइडिया इज़ इंडिविजुअलिज्म फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन का मेजर आइडिया क्या था इंडिविजुअलिज्म ओके एंड इंडिविजुअलिज्म पर बेस्ड था एंड ही वाज इन्फ्लुएंस बाय दिस वो इंडिविजुअलिज्म पे बेस्ड था एंड ही वाज आल्सो इन्फ्लुंस बाय द आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म ओके तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन किससे इन्फ्लुएंस है तो ये चीज़ें याद रखनी होती है इसीलिए जो इंपॉर्टेंट मेन मेन पॉइंट्स की मैं आपको सिर्फ नोट्स दे रही हूँ क्योंकि तो बहुत सारा पढ़ने से दिमाग में पूरा मिक्स हो जाता है तो स्टडी जितना तो हम पढ़ेंगे ज़्यादा लेकिन मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे एंड ही वॉज़ डिसमिस्ड एज मैड ड्यूरिंग हिज लाइफ तो उनको मैड बोला गया था उनकी पूरी ज़िंदगी में अलॉन्ग विथ मैरी वुलन स्टोन क्राफ्ट एंड बॉडविल ही वॉज़ फॉर रनर ऑफ़ फ्री लव मोमेंट उन्होंने फोर रनर ऑफ़ फ्री लव मोमेंट चलाई थी किसके साथ अलॉन्ग विथ मैरी वुलन स्टोन क्राफ्ट एंड बॉडविल तो ये तीनों इन्होंने एक जो मुहिम चलाई थी फ्री लव मोमेंट एंड बेसिक आइडिया था फ्री लव मोमेंट का था जो था दे मैरिज विथ स्लेवरी बेसिक आइडिया फ्री लव मोमेंट का था कि दे हैल्ड मैरिज विथ स्लेवरी ये कहते थे प्यार खुले में करो क्योंकि मैरिज जैसी रेस्ट्रिक्शन में बांधने को प्यार की ज़रूरत नहीं है उसमें मत बांधो रिस्ट्रिक्शन में मत बांधो ओके ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द क्रिश्चियन चेस्टिटी ऑफ वर्च्यू वो इससे कहते थे कि शादी से पहले पर्सन को प्योर होना बहुत ही ज़रूरी है तो so, अपने अपने विचार होते इनके विचार थे एंड विलियम ब्लैक सैड इफ़ यू लव समी यू शुड नॉट पुट रिस्ट्रिक्शन तो उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो हमें उसको रिस्ट्रिक्शन में नहीं रखना चाहिए फ्री टू गेट इन्वॉल्व इन ए रिलेशनशिप विथआउट थिंकिंग अबाउट वर्च्यू सिंड क्रिश्चियन ओशन तो ये सारी चीज़ों को दरकनार करते हुए हमें अपने रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहिए तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं उनके लाइफ के ऊपर तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज इन पर्टिकुलर विलियम ब्लैक वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजियस राइटिंग ऑफ वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजियस राइटिंग ऑफ द फर्स्ट वन इज जैकॉब बोहेमे एंड इम्यूनियल स्वीडनबर्ग तो आपको याद रखना है कि किससे इन्फ्लुएंस थे रिलीजियस राइटिंग के ऊपर जैकोब बोहेमे एंड इम्यूनियल स्वीडनबर्ग ओके द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज द टू लिस्ट ऑफ पोएट्स एंड स्टेटमेंट हु मेक दैम दो स्टेटमेंट है उनमें से किसने कौन सी स्टेटमेंट लिखी तो हमें तो विलियम ब्लैक की स्टेटमेंट देखनी है मैं दूसरी स्टेटमेंट्स आपको नहीं बता रही क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए जो आंसर है मैं वही बता रही हूँ द आंसर इज विलियम ब्लैक स्टेटमेंट इज विच इज़ द पावर दैट अलोन मेक्स ए पोएट इमेजिनेशन डिवाइन विजन था विलियम ब्लैक का डिवाइन विजन बाय विलियम ब्लैक ये स्टेटमेंट थी इनकी स्टेटमेंट इज विच इज द पावर दैट अलोन मेक्स ए पोएट इमेजिनेशन दैट इज डिवाइन विजन बाय विलियम ब्लैक वन पावर अलोन मेक ए पोएट क्या है इमेजिनेशन है डिवाइन विजन का ओके वन पावर अलोन मेक ए पोएट इमेजिनेशन डिवाइन है विजन का ही सेड इमेजिनेशन इज द फैकल्टी ऑफ सोल उन्होंने बोला था इमेजिनेशन क्या है फैकल्टी ऑफ सोल है एंड सोल इज ऑलवेज इंस्पायर्ड बाई इमेजिनेशन और सोल किस से इंस्पायर्ड होता है इमेजिनेशन से इट इज़ ए डिवाइन विजन वो एक डिवाइन विजन है एंड गॉड इज शोइंग दैट विजन टू अस और जो भगवान हैं हमें वो विजन दिखाते हैं एंड ब्लैक इलिस्ट्रेटेड द वर्क्स ऑफ सेवरल प्रोमिनेंट राइटर्स उन्होंने काफी ज्यादा राइटर्स के जो वर्क्स है वो भी इलिस्ट्रेट किए थे इलिस्ट्रेटेड का मतलब होता है मीन्स ही मेक पिक्चर ऑफ द वर्क उन्होंने उन वर्क्स की पिक्चर बनाई थी जैसे मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की बनाई थी ओके एंड ब्लैक पॉइंटेड दैट इमेजेस, पेंटेड दैट इमेजेस इन ए इल्यूमिनेटेड बुक एंड पब्लिश दोस्ट उन्होंने एक इल्यूमिनेटेड बुक में वो सारी जो इमेजेस बनाई थी और उनको पब्लिश किया था तो फाइव इम्पॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन बाई विलियम ब्लैक कौन से कौन से उन्होंने इलिस्ट्रेशन मतलब पिक्चर्स बनाई थी कौन से कौन से राइटिंग्स की तो फाइव इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन बाई विलियम ब्लैक आर फर्स्ट उन्होंने बनाई थी मैरी वुलन स्टोन क्राफ्ट की ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ तो उसका उन्होंने लिया था ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ की उन्होंने इलिस्ट्रेशन मतलब उसकी पिक्चर्स बनाई थी एंड द नेक्स्ट सेकेंड वन इज़ जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की जैसे कि सैटन है उसकी बना दी और जो एंजल्स है उसकी बना दी एडम एंड ई की बना दी तो ऐसे उन्होंने पिक्चर्स बना के पब्लिश करी थी सेकेंड किसकी करी थी जॉन मिल्टन की फर्स्ट मैरी वुल स्टोन क्राफ्ट की उनका क्या वर्क था ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ द नेक्स्ट थर्ड वन इज़ बुक ऑफ जॉब फ्रॉम बाइबल बुक ऑफ जॉब की बनाई थी बाइबल की उन्होंने इलस्ट्रेशन की थी फोर्थ वन इज़ जॉन वनियन के पिलग्रिम प्रोग्रेस की, की उन्होंने इलिस्ट्रेशन करी थी नेक्स्ट फिफ्थ वन इज डेंटेस की डिवाइन कॉमेडी की उन्होंने इलस्ट्रेशन करी थी सिक्स वन इज़ वर्गस पेस्टोरल्स की उन्होंने इलस्ट्रेशन करी थी मतलब उनकी पिक्चर्स बना के पब्लिश करी थी ठीक है तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसके ऊपर बेस्ड था तो so, मैं क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ आपसे द क्वेश्चन इज एमोंग द रोमांटिक पोएट विलियम ब्लैक वाज़ ए टोटल आर्टिस्ट अंडरटेकिंग मेनी रोल्स यूजुअली सेपरेटेड इन हिज लास्ट ईयर्स ही प्रोड्यूस सम ऑफ हिज फाइनेस्ट अनग्रेविन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज़ नॉट इलिस्ट्रेटेड बाई ब्लैक तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्लैक ने इलेस्ट्रेट नहीं की तो फर्स्ट उन्होंने दिया था बुक ऑफ जॉब आप ट्राई कीजिए आंसर करने की बुक ऑफ जॉब द सेकेंड वन इज़ वर्गस पेस्टोरल थर्ड वन इज रेप ऑफ लेडा फोर्थ वन इज़ वर्क्स ऑफ डेंटे तो रॉन्ग क्या है ऑड वन आउट इज़ रेप ऑफ लेडा ठीक है उन्होंने बुक ऑफ जॉब की लिस्ट्रेशन करी थी वर्गस पेस्टोरल की लिस्ट्रेशन करी थी एंड वर्क्स ऑफ डेंटे डिवाइन कॉमेडी की भी इलेट्रेशन मतलब उनकी पिक्चर्स बनाई थी ओके okay? तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट अपने वर्क्स की तरफ ओके लेट अस डिस्कस अबाउट द वर्क्स ऑफ विलियम ब्लैक द वर्क इज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस द फेमस वर्क ऑफ विलियम ब्लैक ये जो शॉर्ट नोट्स है पहले मैं आपको जो रिटर्न नोट्स दे रही थी अब वही रिटर्न नोट्स हमने टाइप करे हैं ताकि आपको दिक्कत ना होंडराइटिंग समझने में और आपको कलेक्शन करने में पी डी एफ्स का ठीक है तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए अभी ये वही सेम नोट्स हैंड रिटर्न नोट्स है सिर्फ उनको टाइप किया गया है ओके तो लेट स्टार्ट द विलियम ब्लैक वर्क सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस ये क्या है एक पोएम है सेवेंटीन एटी नाइन में लिखी गई है एंड फुल टाइटल इज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस शोइंग द टू कॉन्टररी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल शोइंग द टू कॉन्टररी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल इसका फुल टाइटल है इट वॉज़ एक्चुअली टू बुक्स विच आर ज्वाइंटली पब्लिश ये दो बुक है जॉइंटली पब्लिश करी गई है एक साथ पब्लिश करी गई है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस अलग बुक है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस अलग बुक है लेकिन जॉइंटली पब्लिश करी है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इनोसेंस वब्लिश्ड एलोन फर्स्ट इन सेवेंटीन एटी नाइन जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है वो फर्स्ट पब्लिश करी गई थी 1789 में एंड लेटर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वाज पब्लिश इन ए जॉइंट वॉल्यूम उसके बाद में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस पब्लिश करी गई थी जॉइंट वॉल्यूम में ओके एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में क्या है ऑल दिस पोएम्स इन दिस सेक्शंस आर अबाउट चिल्ड्रन इसमें सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इनोसेंस होते हैं ना बच्चे इनोसेंट होते हैं तो इसीलिए ऑल दिस पोएम्स इन द सेक्शन आर अबाउट चिल्ड्रन सारे बच्चों के बारे में ही ज्यादा है इसमें अबाउट द चिल्ड्रन एंड इन दॉइस ऑफ चिल्ड्रन और कई तो उन्होंने चिल्ड्रन की वॉइस में ही लिखे है ओके एंड इट फोकस ऑन प्योर एंड अन इन एक्सपीरियंस वर्थ ऑफ द चिल्ड्रन तो so, प्योरिटी के बारे में इन एक्सपीरियंस वर्थी के बारे में उन्होंने इसमें डिस्कस किया है एंड थर्ज दे आर फ्री फ्रॉम करप्शन और बच्चे क्या है उनको थोड़ी पता है कि करप्शन क्या होता है क्या बुराई क्या होती है तो वो बिल्कुल ही इनोसेंस इसीलिए इन पोएम्स का नाम रखा उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस द नेक्स्ट वन इज़ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में उन्होंने बात करी है शोज डार्क प्लेसेस लाइक चर्च पॉलिटिक्स सोसाइटी जलसी करप्शंस इनके बारे में बात करिए वैन यू सी द लिस्ट ऑफ़ पोएम्स इन द संग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस आप लिस्ट देखोगे दोनों के पोएम्स की तो ब्लैक हैज़ रिटर्न कंपेनियन पोएम्स कंपेनियन पोएम्स लिखाए लिखे हैं ब्लैक ने जैसे कि एग्जाम्पल है लैम इज़ ए पोएम इन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस लैम क्या है पोएम किस में है सॉन्ग ऑफ़ इनोसेंस में सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में लैम क्या है पोएम है क्योंकि काउंटर पार्ट क्या है इसका कमज़ोर लैम क्या है कमज़ोर होता है ना तो ताकतवर कौन होता है टाइगर तो टाइगर इज़ ए पोएम इन सॉन्ग ऑफ़ एक्सपीरियंस तो इन्होंने इधर लैम लिया है तो सॉन्ग ऑफ़ जो एक्सपीरियंस है उसमें उन्होंने टाइगर लिया है ठीक है तो उन्होंने ऐसे ही जो उसका काउंटर पार्ट लिया है मतलब एक को कमज़ोर दिखाया है तो दूसरे सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में उन्होंने उसको ताकतवर दिखाया है लैम इज ए वेरी प्योर क्रिएचर वो बहुत ही प्योर क्रिएचर होता है एंड टाइगर इज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिएचर ओके तो ये नंबर ऑफ पोएम्स जो in songs of innocence is number of poem है इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इज नाइनटीन नंबर ऑफ पोएम कितने हैं सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में नाइनटीन है एंड नंबर ऑफ पोएम्स इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इज ट्वेंटी सिक्स तो ये ट्वेंटी सिक्स सॉरी इसमें ट्वेंटी नाइन प्रिंट हुआ है And the three most important poems from Songs of Innocence are three most important poems. सम karenge Songs of Innocence ke The first one is the lamb. The first one is the the first one is the lamb. Okay. And its counterpart is tiger. जैसे मैंने बताया कि ये कमजोर पुरानी होता है, तो इसका counterpart क्या है? Tiger है. He is in Songs of Experience. वो किसमें है? सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में एंड दिस पोएम इज अबाउट क्रिस्चैनिटी ये पोएम किसके ऊपर है क्रिस्चैनिटी के ऊपर इट रिप्रेजेंट जीजस क्रिस्ट एंड इट इज़ कॉल्ड लैम ऑफ गॉड तो ये रिप्रेजेंट करता है जीजस क्रिस्ट को और जीजस क्रिस्ट को हम लैम ऑफ गॉड भी बोलते हैं द पोएम बिगेन्स लाइन जो पोएम की शुरू की लाइन्स है वो क्या है द टाइटल लैम हु मेड थी थो शो हु ये क्वेश्चन है इसमें गॉड हैज़ मेड मी मतलब इसका आंसर क्या है गॉड हैज़ मेड मी इज द आंसर ओके द नेक्स्ट इज चिमनी स्वीपर चिमनी चिमनी स्वीपर इसमें द नेक्स्ट वन इज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में कौन सा है द इम्पॉर्टेंट हम कर रहे हैं द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में चिमनी स्वीपर इट हैज़ सेम टाइटल इन द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में भी सेम टाइटल लिया है इन्होंने चिमनी स्वीपर ही लिया है नीचे कर देती हूँ थोड़ा स्लाइड ताकि आपको समझ में आए चिमनी स्वीपर इसमें भी इन्होंने सेम टाइटल लिया है इधर भी सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में इसमें सेम टाइटल है चिमनी एंड इट हैज सेम टाइटल

और उनको सोशली एक्सेप्टेबल भी नहीं समझते वो उनको बिल्कुल ही नीचा समझते हैं एंड वन चिमनी स्वीपर ही हैड ड्रीम इन विच ही सी हीज फेलो चिमनी स्वीपर तो उनको एक चिमनी स्वीपर दिखाई देता है देता है तो वो उनको फेलो चिमनी स्वीपर दिखाई देता है ओके द नेक्स्ट वन इज होली थर्सडे द नेक्स्ट वन इज होली थर्सडे इन दिस देर इज एन इमेज ऑफ चैरिटी स्कूल चिल्ड्रन एंड हु फ्लो लाइक a रिवर towards saint सेंट पॉल कैथीड्रल तो इसमें इन्होंने ये बात करी है चिल्ड्रन आर कम्पेयर टू द रिवर उन्होंने रिवर से चिल्ड्रन को कंपेयर किया है बच्चों को जाता देख ऐसा लग रहा था कि रिवर बह रहा है उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे रिवर बह रहा है दिस चिल्ड्रेन आर ड्रेस्ड इन ब्राइट कलर द स्पीकर ऑफ दिस पोएम

होली थर्सडे में चिल्ड्रन इज कम्पेयर टू लैम एंड थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में देख लेते हैं हम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स देख लेते हैं फर्स्ट वन इज टाइगर टी वाई जी ई आर इज द स्पेलिंग इन दिस वी सी द गॉड इन दिस इन दिस वी सी द गॉड एंड इट्स पावरफुलनेस ओके एंड इन लैम गॉड इज मर्सीफुल उसमें क्या था गॉड मर्सीफुल थे इसमें क्या है जो गॉड है वो पावरफुल है और क्रोयल है एंड वॉट इसमें लाइन्स दी गई है वाट इमोरल हैंड और आई कुड फ्रेम थाई फियरफुल सीमेंट्री फिर से बोल देती हूँ व्हाट इमोरल हैंड और आई कुड फ्रेम थाइफियर फुल सिमेट्री। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है डिड ही हु मेक द लैम मेड थी जिसने लैम बनाया क्या उ, उसने तुम्हें भी बनाया है तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि तो जिसने एक प्यारा सा क्रिएचर बनाया है बहुत ही मर्सीफुल क्रिएचर बनाया लैम बनाया क्या टाइगर को भी उसी ने बनाया तो इसमें ये क्वेश्चन है नेक्स्ट इज टाइगर के बाद में पॉइजन ट्री द नेक्स्ट वन इज पॉइज एंड ट्री एंड इट फोकसेस ऑन द एगर ये फोकस करता है एंगर की तरफ एंड द पोएट सेज दैट वी शुड नॉट सप्रेस एंगर हमें अपना एंगर नहीं दिखाना चाहिए बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर आर रिलेशनशिप वो हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत ही खतरनाक है एंड द स्पीकर बिगेन्स द पोएम बाई टेलिंग दैट वंस ही वॉज़ एंग्री अबाउट हिज़ फ्रेंड एंड ही टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट हीज़ एंगर एक बार वो अपने दोस्त से बहुत ही नाराज़ थे और उन्होंने वो जो गुस्सा उसको बताया कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ एंड एवरी थिंग वॉज फाइन बिटवीन दैट और उसके बाद में सब कुछ उन दोनों के बीच में ठीक हो गया बट वेन ही वॉज़ एंग्री विथ द एनिमी ही डिड नॉट गो एंड टेल दैट तो जब अपने दुश्मन से गुस्सा होते हैं जब जाके उसको थोड़ी बोलते हैं कि ले मैं तेरे से गुस्सा हूँ फ्रेंड को तो बोल देंगे कि यार मैं तेरे से गुस्सा हूँ दैट टू द एनिमी एंड ही कीप एंगर इन तो उन्होंने अपने अंदर ही उसको गुस्से को रख लिया दिस एंगर विच वॉज कैप्ट इन साइड इवेंचुअली ग्रो सो मच दैट इट बिकेम ए मेटाफोरिकल ट्री तो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया वो एंगर वो बढ़ता जा रहा था ग्रो होता जा रहा था ये इट बिकेम ए मेटाफोरिकल ट्री बन गया एंड दैट ट्री स्टार्टेड गिवन पॉइजन एप्पल और वो ट्री क्या करने लगी पॉइजन एप्पल देने लगी ओके द नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट

तो उन्होंने ह्यूमन इमेज लिखा था इसमें सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में बट लेटर ही चेंज द टाइटल टू ह्यूमन एक्सट्रैक्ट एब्सट्रैक्ट तो उसके बाद में उन्होंने टाइटल को चेंज कर दिया था ह्यूमन एब्सट्रैक्ट के नाम से ही सेस इफ़ देर इज नो पुअर पीपल इन द कंट्री देन देर इज़ नो इमोशन कॉल्ड पिटी तो वो बोलते हैं अगर कोई गरीबी नहीं रहेगा तो ऐसा इमोशन ही नहीं बचेगा पिटी ओके okay? जो ऑपोजिट क्या है प्योर पुअर का पीटी एंड इफ़ एवरी वन इज़ हैप्पी देर इज़ नो नीड ऑफ मर्सी तो सारा कुछ सारे लोग खुश रहेंगे तो मर्सी की ज़रूरत नहीं होगी एंड पीस एंड फियर टुगेदर राइज एंड सेल्फिश लव and there is a metaphorical tree called human brain. एक metaphorical tree है human brain and the roots of human brain are humility. तो रूट क्या है ह्यूमिलिटी है उसका इंसानियत लीफ ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज मिस्ट्री जो लीफ है वो मिस्ट्री रह गया है फ्रूट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज डिस और जो फ्रूट अब आ रहा है वो क्या आ रहा है डिसीज आ रही है तो ये आज हमने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वन ऑफ़ द फेमस पोएम्स ऑफ विलियम ब्लैक आज हमने कर लिए हैं कल हम करेंगे क्लॉड एंड द पबल ये कल की वीडियो में हम करेंगे वरना वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी तो प्लीज़ बच्चों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट भी कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि डेली के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो पाए ये आपको शॉर्ट नोट्स इम्पोर्टेंट नोट्स है बिल्कुल ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है एक बार आप एग्जाम में इनको देख के जाओगे क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड होते हैं सारा कुछ तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट नोट्स टॉपर्स के नोट्स है और उसको अब मैं आपको पी के तौर पर दे दूँगी कोई नो इश्यू तो कल से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें सारी आपकी पी डाल दी जाएगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए बेल आइकन ज़रूर दबाएगा थैंक यू फॉर वाचिंग हैव ए ग्रेट डे